आप देख रहे हैं एवीपी इंडिया न्यूज, हर खबर सच के साथ। पुलिस ने अपराधियों की कमर तो तोड़ दी है, क्योंकि जनपद संभल में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन जेसीबी के तहत पुलिस ने सूचना के आधार पर अवैध रूप से संचालित असलाह फैक्ट्री पर छापा मारा और 3 लोगों को दबोच लिया। वही मौके से कई दर्जन बने व अध बने असलाह व कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। एबीपी इंडिया की विशेष कवरेज। जनपद संभल में ऑपरेशन जेसीबी के तहत अवैध तत्वों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्र में अब तक आपसी विवाद में लोग अवैध तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे एक दूसरे पे फायर करते हैं और जान से हाथ धो बैठ रहे हैं या आराम इंजरी हो जा रही है। इसी को देखते हुए एक अभियान चलाया गया है, जेसीबी अभियान, और इसके तहत लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें आज 2 सब फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें एक सब फैक्ट्री में कुल 22 अवैध असल है, दूसरे में 21 अवैध असल है, और जो अभियान चल रहा है इसके तहत लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। टोटल अभी तक 45 बने और 21 अद बने, कुल 66 अवैध असलहे पकड़े गए हैं, 66 अवैध असलहे पकड़े गए हैं, और इनके साथ जो अपराधी हैं लगातार ये शस्त्र बनाने का काम कर रहे हैं या शस्त्र यूज करने का काम कर रहे हैं, ऐसे भी अपराधी लगातार पकड़े गए हैं। 3 मुख्य अपराधी अभी हैं जो शमसुल, यामीन और दिलसाद और मोहम्मद अकील, ये पकड़े गए हैं। इसमें से दिलसाद अभी फरार है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और लगातार जो शस्त्र यूज कर रहे हैं ऐसे कम से कम 15 लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो ये सभी अपराधी पर नकल कसने के लिए अभियान चलाया गया है, अवैध शस्त्रों को पकड़ा जा रहा है, जिससे आपसी विवाद में अवैध शस्त्र प्रयोग ना होने पाए उसके अधीन ये कार्रवाई की जा रही है, और अभी तक 67 अवैध असल है और कम से कम 16 लोग पकड़े गए हैं। सर कहाँ से ये लगातार क्षेत्र में बेच रहे थे सस्ते कट्टे और तमंचे और बंदूक जो है, ये सस्ते दामों में 7,000, 6,000 और 15,000 रुपए में बेच देते थे और इसी से ये कमाई करते थे। लगातार ये ऐसी शस्त्र बना करके बिक्री का कार्य कर रहे थे, जिसमें 12 बोर 6,000 रुपए में, 315 बोर 7,000 रुपए में, और जो बंदूक है वो 15,000 रुपए में बेचते थे, लगातार सप्लाई कर रहे थे। और ऐसा अभियान भी लगातार चलता रहेगा, क्षेत्र में जो भी ऐसे अवैध असलाह बनाने वाले या उपयोग करने वाले हैं उनके खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा।